वेलकम बैक टू माई चैनल रोज ग्लैमरस मेकओवर आर जी एम यूनिसेक्स सैलून एंड अकेडमी। यार आज हम लोग एक लुक क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि बोल्ड, बिल्कुल बोल्ड लिप्स के साथ होने वाला है और इस ब्यूटीफुल नेक पीस के साथ। तो वेट एंड वॉच करो फुल वीडियो और फुल वीडियो जरूर देखना और यार लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी नई वीडियोज के लिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है नोटिफिकेशन। स्टार्ट करेंगे हम अपने ब्राउज से और ब्राउज के लिए हम थोड़ा सा डस्की ब्लैक कलर यूज करने वाले हैं। यार ब्राउज शेप करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई ब्राउज एंड आई लव टू फिल दिस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और आई मेकअप के लिए सबसे पहले बनाएंगे अपना बेस। और अब हम सेट करेंगे अपने कंसीलर को। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फुल कट क्रीज टाइप शेडो क्रिएट किया है एंड देन हम लोग यहाँ पे फुल कट क्रीज करने जा रहे हैं। लॉक कर लिया और अब हम यहाँ पर जो है ना ये लूज ग्लिटर जो है अपनी लाइनर एज अ लाइनर हम लूज ग्लिटर लगाने वाले हैं। तो आप लोग उनकी हेल्प से जो है पहले एक लाइनर क्रिएट करूंगी। अपना बेस लगाने, बेस बनाने। तो आप लोग देखो मैं ना यार बोल्ड लिपस्टिक हमेशा याद रखना, जब भी आप रेड लगा रहे हो तो अपना जो बेस है हमेशा हाई कवरेज बनाना, फेयर बनाना, ठीक है। और जो टोन है आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि वो वार्म टोन की फाउंडेशन आप यूज करो और अपना जो बोल्ड लिप मेकअप है वो कम्प्लीट करो। कलर करेक्शन करने जा रही हूँ वन शेड डार्कर से। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्टोर शेड लूंगी थोड़ा सा और उसके बाद मैं एक लाइट शेड लूंगी जो कि मैंने अपना अंडर आई के लिए यूज किया था और इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना वन शेड डार्कर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने किया इसे मिक्स और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा वन शेड डार्क बन गया है और इसी से मैं अपना कलर करेक्शन जो है वो करूंगी गाइस। यहाँ पे मैंने अपना
प्राइमर जो है प्रेप कर लिया था CTM प्लस पी और मैं डायरेक्ट आप लोगों को मेकअप शो कर रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए प्रेप आप पहले कर लो एंड देन अपना जो है वो मेकअप स्टार्ट करो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो मैं ऑल ओवर मेरे पिगमेंटेशन पे और स्पॉट्स पे, ये यहाँ पे मेरे पूरे स्पॉट्स हैं, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा कवरेज करूंगी, कलर करेक्शन करूंगी। और वन शेड डार्कर क्या होता है, जो भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि वन शेड डार्क से भी हम कलर करेक्शन कर सकते हैं या सिर्फ ऑरेंज कलर से ही जो है हम लोग कलर करेक्शन करेंगे गाइस, तो उसके लिए आप लोगों को हमारी कलर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो प्लीज जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पे डीप नॉलेज के साथ कलर करेक्शन, कलर थ्योरी और सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे करेंगे इसे डैप मोशन में ब्लेंड। यहाँ पे मैं अपना बेस क्रिएट करने वाली हूँ लैक्मे 925 के मैट प्राइम फाउंडेशन से, जिसका शेड 120 वार्म क्रीम फाउंडेशन मैट फिनिश फाउंडेशन है। तो हम जो है इसी से अपना बेस क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम वार्म टोन का फाउंडेशन जो है वो यूज करेंगे। और गाइस पूरा फाउंडेशन आपको ब्लेंड करना है ब्रश, मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश से, आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर से भी, यार ब्रश भी अगर आप यूज कर रहे हो ना तो आपको लास्ट में एक ब्यूटी ब्लेंडर का टच देना बहुत जरूरी होता है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि जो ग्लो ब्यूटी ब्लेंडर की ब्लेंडिंग से आता है वो फाउंडेशन ब्रश की ब्लेंडिंग से नहीं आता। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्लेंडिंग। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग और अंदर है जो कि हम हमेशा सबसे लास्ट में करते हैं। थोड़ा सा ग्लिटर अपने अंडर आई, हम ना थोड़ा सा ग्लिटर जो अपने ईयर डक्स में भी करने वाले हैं। White waterline और अब हमारा सबसे फेवरेट पार्ट